हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। तो मैं थोड़े टाइम पहले OB40 जब अपडेट आया था तब मैंने अमेजोन ओपी की उसकी प्रोवाइड की थी आपको। वो वैसे तो बहुत अच्छी चलती है, उसमें FPS भी अच्छे आते हैं, उसमें हेडशॉट भी अच्छे लगते हैं। मैं अभी तक उसमें ही खेल रहा था, बट उसमें मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की है। मुझे पता नहीं आपने नोटिस की है कि नहीं, वो प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी को मारने जा रहे हो तो आप किल नहीं कर पाओगे और आपका गेम प्ले खराब हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम मैंने रिकॉर्ड किया, तो आपको मैं पहले रिकॉर्डिंग दिखाता हूं और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आ गया हूं BlueStacks 4 के अंदर और यहां पे मैंने जो APK आपको की थी अमेजोन वाली में उसी पे खेल रहा हूँ। और मैं विंडो मोड में खेल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा मैं BlueStacks 4 पे ही खेल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है, अगर आप किसी को मारते हो, किसी एनिमी को मारते हो, वन टैप मार लो या फिर बॉडी शॉट मार लो, तो उसको रजिस्टर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले होता है और 1 सेकंड के बाद उसको डैमेज पड़ेगा। और गन स्विच होने के बाद फायरिंग करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बैकग्राउंड वाले गेम प्ले में देख पा रहे होंगे। बहुत बार मैं फायर करके गन स्विच करता हूँ बट यहाँ पे फायर नहीं होती, सिर्फ स्विच हो जाती है उससे पहले। तो ये दो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है और दोनों प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड है, दोनों प्रॉब्लम डिले की वजह से ही हो रही है। तो मैं वही ढूंढ रहा था इतने टाइम से कि भाई डिले को कैसे फिक्स करना है, और यही चीज मैंने फायरिंग डिले में भी रिकॉर्ड की है। तो उसके भी कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को वन टैप मारने वाला एकदम मुंह पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा वन टैप काउंट नहीं हुआ, जबकि मेरे स्क्रीन पे दिखा है कि मैंने फुल रेड मारा। और ये चीज मेरे साथ ग्लू वॉल में भी होती है, कभी भी ग्लू वॉल नहीं लगती, मेरे हाथ में ही रह जाती है और मैं मर जाता हूं उसके पे। तो इस क्लिप में आपको ग्लू वॉल वाला इशू समझ में आ जाएगा। मैं 2 बार ग्लू वॉल लगाऊंगा, मेरे से ग्लू वॉल नहीं लगेगी। ये पहली बार लगाई, मेरे से ग्लू वॉल नहीं लगी, और इस बार मैंने जब ग्लू वॉल लगाई तो 1 सेकंड डिले हो गई यहाँ पे ग्लू वॉल लगने में। एक और लास्ट एग्जांपल देख लो, इसमें मेरे हाथ में ग्लू वॉल लगी, उसके पहले मैं मर गया। तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है या फिर नहीं। और इसमें पिंग का बिल्कुल इशू नहीं है, आप पीछे जाके देख सकते हो मेरी पिंग एकदम स्टेबल रहती है, तो पिंग का कोई इशू नहीं और मेरा नेट भी बहुत अच्छा खासा है। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है इनपुट डिले की। मतलब आप कोई भी चीज करते हो, जैसे ग्लू वॉल लगाते हो या फिर हेडशॉट मारते हो, तो BlueStacks से गरेना के सर्वर में वो चीज पहुंचने के लिए टाइम लगता है, तो उसका जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इनपुट डिले। तो इसको फिक्स कैसे करना है, इनपुट डिले का टाइम कैसे कम करना है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। और मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन भी दिखा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आपको भी समझ में आया कि भाई क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किससे इनपुट डिले होता है। तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वापस से मैं BlueStacks 4 में आ गया हूं जिसमें मैं पहले खेल रहा था। तो इसका मैं आपको अबाउट दिखा देता हूं। तो जितने भी BlueStacks मेजोरिटी जो होते हैं BlueStacks 4, वो 32 बिट होते हैं और मेरा भी 32 बिट ही है। तो इसके लिए मैंने जो फ्री फायर आपको प्रोवाइड की थी अमेजोन APK वाली, वो भी 32 बिट ही थी, क्योंकि इसमें 64 बिट वाली फ्री फायर इंस्टॉल नहीं होगी। तो मैंने बहुत ढूंढ के यहाँ पे 32 बिट वो भी अमेजोन APK आपको प्रोवाइड की थी। तो 32 बिट के फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपको लैग कम देखने को मिलेगा, FPS ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ईजी होता है 32 बिट प्रोसेस करना। तो अगर आपका लो एंड PC है जिसमें गेम लैग होती है, तो आप 32 बिट अगर चलाओगे तो उसमें लैग कम होगा। बट इसका फिर ड्रॉबैक या फिर नुकसान भी यही है कि इसमें हाफ प्रोसेसिंग टाइम होता है 64 बिट के मुकाबले। तो यहाँ पे जो 32 बिट में इनपुट डिले या फिर इनपुट लैग होगा वो भी डबल ही होगा। आपकी बहुत बार ग्लू वॉल नहीं लगेगी, आपका हेडशॉट काउंट नहीं होगा, या फिर आप स्विच करोगे तो आपकी गोली फायर नहीं होगी उसके पहले। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको 64 बिट वाले BlueStacks में खेलना है, वो भी फ्री फायर 64 बिट के साथ। तो जो BlueStacks 4 है उसमें 64 बिट यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, 64 बिट सिर्फ BlueStacks 5 में सपोर्टेड है, वो भी एक स्पेशल जो वर्जन आता है उसमें। तो मैं आपको वो वर्जन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे BlueStacks 5 चालू करते। तो ये है BlueStacks 5, और जो नॉर्मल BlueStacks 5 आप लोग डाउनलोड करते हैं उसकी वेबसाइट से, वो भी 32 बिट ही होता है। आपको मैं अबाउट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो BlueStacks का वर्जन है वो 5.11 है और यहाँ पे N32 लिखा है, मतलब नोगट जो एंड्रॉइड का वर्जन है, और 32 बिट है यहाँ पे। तो अभी अगर मुझको BlueStacks 5 में 64 बिट चाहिए तो उसके लिए आपको एक नया इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है राइट साइड में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा इंस्टेंस मैनेजर का, यहाँ पे मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप नया BlueStacks बना सकते हो और जो भी आपको रखना है आपको उसमें सेटिंग वो रख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया होगा इंस्टेंस का, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रेश इंस्टेंस सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मेन चीज़ है चूज एंड्रॉयड वर्जन, यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बिट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पाई सिलेक्ट करना है और 64 बिट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप नोगर में भी बना सकते हो, पाई में भी बना सकते हो, तो मैं पाई यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है उसमें कुछ ऐसे इश्यू आ रहे, ग्लिच हो रहे या फिर बग हो रहा है, तो आप 64 बिट नोगट वाला फिर उसके बाद ट्राई कर सकते हो, बट पहले आप पाई यूज़ करना, मैं आपको वही रेकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको CPU कोर्स मेमोरी वो सब कुछ आपको अपने हिसाब से कर लेना है, जो आपने यहाँ पे BlueStacks 5 में रखा हुआ है वही। तो मैं सब कुछ वैसे ही हाई पे रखता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने हाई पे रखा है और यहाँ पे मैं 1080 कर लेता हूँ। और ABI सेटिंग पे आपको यहाँ पे x86 ARM वाला रखना है और यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड पे हाई परफॉर्मेंस रख सकते हो अगर आपका PC अच्छा है तो, और TPI तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका पाई डाउनलोड नहीं है, आपका 64 बिट वाला एमुलेटर डाउनलोड नहीं है, तो डाउनलोड होगा पहले, उसके बाद इंस्टॉल होगा,
मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट हो चुका है और मैं स्टार्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है Pi 64 बिट वर्जन BlueStacks 5 का। इसका आपको मैं अबाउट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्जन सेम टू सेम है 5.11, बट यहाँ पे P64 लिखा है, मतलब Pi और 64 बिट वर्जन। अभी आप लोग यहाँ पे फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से मिल जाएगी लिंक, एपी के मिरर में भी मिल जाएगी, एपी के प्योर में भी मिल जाएगी। वो सारी जो लिंक है वो 64 बिट वाली लिंक है, तो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला, इजीली आपको गूगल में मिल जाएगी 64 बिट OB40 अपडेट की लिंक। और बस यहाँ पे आपको सीधा यहाँ से इंस्टॉल कर लेना और यहाँ पे आप लोग खेल सकते हो। और इसमें आपको डिले बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका वर्जन जो है एंड्रॉइड का वो भी नया है और 64 बिट भी है यहाँ पे। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें इतने अच्छे हेडशॉट नहीं लगते जितने BlueStacks 5 नॉर्मल वर्जन या फिर BlueStacks 4 पे लगते हैं। बट हाँ, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, इनपुट डिले वाली, ग्लू वॉल नहीं लगती या फिर हेडशॉट काउंट नहीं होते, वो जरूर सॉल्व हो जाएगी। तो जो भी प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको ऑनेस्टली बता ही देता हूँ। तो अगर आप हेडशॉट के लिए वाला वर्जन डाउनलोड कर ले हो, उसके लिए खेल ले हो, तो भाई शायद से हो सकता है इससे बेटर वर्जन आपको मिल जाए। बट इनपुट डिले कम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।